हाय, तो अब हम लास्ट करेंगे बुक फोर, अदर काउंसलिंग इंटरवेंशन। इसकी यूनिट वन है टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर काउंसलिंग फैक्टर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द डिस्पैरिटी बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ काउंसलिंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप समझ लो तो ये हेल्प करेंगे जो भी क्लाइंट और काउंसलर के बीच में डिस्पैरिटीज है उनको मिनिमाइज करने में, मतलब जो भी आपके इश्यूज हैं उनको मिनिमाइज करने में। सबसे पहला है कल्चर एंड रेस। अगर कल्चर और रेस एक दूसरे के अलग अलग है बट फिर भी अगर एज अ काउंसलर आप सहानुभूति टाइप प्रकट कर रहे हो उनके आगे और उनको समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये एज अ काउंसलर आपको हेल्प ही करेगा और आपको बायस नहीं होना या फिर आपको जजमेंटल नहीं होना इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी क्लाइंट का कल्चर है या फिर वो रेस फॉलो करता है। ठीक है, सोशल स्टेटस, आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ही है जो भी पर्सन का है वो भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि जो भी उनका लैंग्वेज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशनल स्टेटस है क्लाइंट का वो आपको चेक करना जरूरी है। और ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो भी आपका वर्बल या नॉन वर्बल जेस्चर है उसकी वजह से काउंसलिंग सेशन में कुछ भी ऊपर नीचे हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर उनको कुछ कॉस्टली चीज बोल रहे हो तो आपको पहले ये चेक करना आना चाहिए कि जो उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो उस चीज को अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और या फिर जो भी आप एग्जाम्पल वगैरह ले रहे हो या चीजें बता रहे हो या फिर अपना जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो यूज कर रहे हो वो अगले की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थर्ड इज डेमोग्राफिक एंड पर्सनल डाटा। आप ये भी जानना जरूरी है आपको कि वो कहाँ पे हैं, उनका एज क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, डेली रूटीन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, ये सभी आपको नोट करनी है। ठीक है, फोर्थ इज मैरिटल स्टेटस, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। मे बी जो पर्सन है वो डाइवोर्स हो सकता है या सेपरेट हो सकता है या विडो हो सकती है और या फिर वो दोबारा मैरिज कर रखी होगी और किसी के साथ वो रिलेशनशिप में है। फिफ्थ इज सेक्स ओरिएंटेशन, ये जानना जरूरी है कि पर्सन इज अदर हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल और मे बी बायोसेक्सुअल। फिर है एज, एज क्या है, एडल्ट है या चाइल्ड है, और मे बी जो एडल्ट होते हैं वो ज़्यादा रिजिड होते हैं चेंज करने में बच्चों से, और जो एडोलेसेंस होते हैं उनके अपने व्यू पॉइंट होते हैं क्योंकि उनके जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं। फिर है फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, ये चेक करने जरूरी होती है। फिर है रिलीजन फिलॉसफी, फिर है जेंडर रोल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको एज अ काउंसलर, अगर आप पहले से समझ के रख रहे हो क्लाइंट के बारे में या फिर फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट से पूछताछ कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, अब है काउंसलिंग प्रोसेस। सबसे पहले आप करोगे स्टार्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग, आप मतलब स्ट्रक्चर बनाओगे उसका प्रोसेस का कि आपको कैसे कैसे जो अपनी पॉइंट्स हैं उनको आगे लाना है। फिर करोगे डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट एंड मेकिंग रेपो, रेपो बनाओगे, पैराफ्रेजिंग एंड रिलीज ऑफ इमोशंस, उनको क्लाइंट को बकने दोगे, टेकिंग बोलने दोगे, टेकिंग केयर ऑफ प्रेजेंट डिमांड्स और अल्टरनेट गोल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, अल्टरनेट तो लिखा मैंने, अल्टीमेट अल्टीमेट गोल एंड ऑब्स्टेकल्स, जो भी उसकी प्रेजेंट डिमांड्स है उसको ध्यान में रखकर आप उसके लिए गोल बनाओगे और जो भी उसके ऑब्स्टेकल्स है उसको समझाओगे कि आप कैसे उससे बच सकते हो। ट्रेनिंग रिलैक्सेशन एंड मेकिंग द क्लाइंट एक्सेप्ट द थिंग्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ क्लाइंट समझने की कोशिश करोगे, फैसिलिटेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिहेवियर रिहर्सल्स, इंप्रूविंग क्लाइंट्स कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग, फैमिली स्ट्रक्चर एंड बिलीफ सिस्टम, नेगोशिएशनिंग, होमवर्क एंड मॉनिटरिंग, ऑफरिंग चैलेंजेस एंड फीडबैक एंड टर्मिनेशन। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त 12 पॉइंट है, लिख के आ जाना, उनको एक्सप्लेन भी करके आ जाना, एक्सप्लेन करने में सेम ही लिख लोगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 3 2 1 स्क्रीनशॉट, एक सेकंड सीधा नहीं है, 3 2 1 स्क्रीनशॉट, 3 2 1 स्क्रीनशॉट। ठीक है, और सबसे ज्यादा मजे तो तुम लोगों को आएंगे यूनिट 2 पढ़ने में क्योंकि बहुत बड़ी है, कुछ बड़ी नहीं है, इसमें बस ये बता रखा है कि आपको कहाँ से इंडिया में कहाँ से आपको पेपर वेपर मिल जाएगा, मतलब कहाँ पे MSPC पढ़ाते हैं और कहाँ नहीं पढ़ाते। ठीक है, पढ़नी हो आप पढ़ लेना, मुझे तो सेंसलेस लगा तो मैंने छोड़ दिया। यूनिट 3 इज फ्यूचर डायरेक्शंस। फ्यूचर डायरेक्शन का मतलब वही है कि जो काउंसलिंग है उसका फ्यूचर क्या है। ई काउंसलिंग का मतलब है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हो तो दिस प्रोवाइड्स एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन एन 1-to-1 बेसिस फ्रॉम अ काउंसलर, 1-time कंसल्टेशन और अ सीरीज ऑफ ईमेल सेशंस। ठीक है, तो मतलब जो भी आप ऑनलाइन जूम के थ्रू या फिर कैसे भी आप काउंसलिंग ले सकते हो, इसको रीजन क्या है यूज करने के, एक तो इसमें पर्सनल स्पेस मिलता है, मतलब मे बी आपको काउंसलर के पास में जीन्स वगैरह में टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहन के नहीं जाने की जरूरत है, आप अपने घर में अपनी निक्कर शॉर्ट्स में बैठ के आराम से बात कर सकते हो। ठीक है,
ईमेल टेक एज मच एज टाइम यू वांट। अगर आप फेस टू फेस हो तो आपको उसी टाइम एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट अगर आप ईमेल के थ्रू बात कर रहे हो तो आप कभी भी अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सेट बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा नहीं होगा कि जैसे मास्टर्स की डिग्री ली उसके बाद में अपना चैनल खोल के बैठ जाओगे कि हाँ हमसे काउंसलिंग करो। द कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ बिहेवियरल साइंस से आपको इजाजत लेनी पड़ती है। एक्सेस टू फिजिकली हैंडीकैप्ड टू, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर डिसेबल्ड है लोग, उनको प्रॉब्लम होती है आने जाने में, तो वो ऑनलाइन उनके लिए ज़्यादा बेटर है। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। मे बी जो फर्स्ट इंप्रेशन में आप कुछ इम्पैक्ट कर दो वो खराब ना हो, और मतलब उसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है जिससे आपको कोई जज कर ले, तो वो चीज़ें हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन 5 कैटेगरीज होती हैं। पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, दूसरा है ईमेल, तीसरा है फेस टू फेस सर्विस, चौथा है ई थेरेपी, फिफ्थ इज फुल सर्विस ऑनलाइन काउंसलिंग एंड थेरेपी, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है? एक्सेसिबिलिटी मस्त है, प्राइवेसी बहुत सही है, कंफर्ट है आपको, अवेलेबल किसी भी टाइम आप कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है, अफोर्डेबल होता है, नो बैरियर ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन और टाइम, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन का इन्होंने इस सेंस में इसको बेनिफिट बोला है कि जैसे कि अगर आप पीतमपुरा में हो और अगर आपको किसी से रोहिणी से बात करनी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फिर बड़ा मतलब पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है तो आपको उनसे बात नहीं कर पा रहे, आप बात कर लोगे ऑनलाइन क्योंकि आपका नेट आ रहा है, ठीक है। बट यही इनका ड्रॉबैक भी है कि जैसे अगर कोई दूर कहीं रिमोट एरिया में रह रहा है तो वहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है, तो वो वहाँ पर काउंसलिंग नहीं ले पाएगा, ठीक है। इसके चैलेंजेस क्या हैं? लैक ऑफ विजुअल क्यूज, नॉन वर्बल जो भी क्यूज हैं वो, क्योंकि अगर आप ईमेल के थ्रू बात कर रहे हो तो आप विजुअल क्यूज नहीं ले पाओगे कि कोई पर्सन कुछ भी जो ईमेल है वो लिखते हुए कैसा फील कर रहा है, और नॉन वर्बल जो उसकी क्यूज है आप वो भी नहीं समझ पाओगे अगर आप ईमेल के थ्रू बात कर रहे हो। और क्लाइंट में एक्सेप्ट सर्विस फ्री, क्लाइंट्स को ये भी लग सकता है कि जो सर्विस है वो फ्री है, और अगर कोई कंप्यूटर इलिटरेसी मतलब किसी को नहीं आता कंप्यूटर चलाना तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। डिमिनिश्ड कैपेसिटी टू डील क्राइसिस और सिक्योरिटी, ईमेल रिस्क, टेक्निकल फेलियर्स, ठीक है। वही सब मतलब नेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, और जो भी मतलब आपकी सिक्योरिटी, जो भी आप अपना क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल रहे हो और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, वेबकैम का यूज़ तो आपको पता ही है कैसा मे बी रिस्की हो सकता है, ठीक है। ये सब बस खत्म, वाह खत्म। यूनिट 4 आ गई, रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। रिसर्च फाइंडिंग्स का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक केस स्टडी रिसर्च, बेस्ट वे टू कंस्ट्रक्ट अ नॉलेज बेस दैट इज रेलेवेंट टू प्रैक्टिस। क्वालिटेटिव सिंगल केस, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव सिंगल केस स्टडी रिसर्च इन काउंसलिंग, ये आ रखे पेपर में। क्वालिटेटिव सिंगल केस स्टडी रिसर्च इन काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसिस ऑफ क्लाइंट्स एंड दे दीज आर डिस्क्रिप्टिव बाय नेचर, ठीक है। क्वालिटेटिव है तो ऑफकोर्स डिस्क्रिप्टिव होगी। प्रोसीजर क्या होता है? रिकॉर्डिंग थेरेपी सेशंस करते हो, स्टिमुलेटेड रिकॉल ऑफ सेशंस, इंटरव्यू डायरीज और जर्नल्स, ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन बाय मीटिंग्स, ये सारे आपके प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू आप क्वालिटेटिव सिंगल केस स्टडी लेते हो, ठीक है। सिंगल केस एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसमें? द मैथड इज नोन एज एन इक्वल टू एल और सिंगल सब्जेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स एन एप्लीकेशन ऑफ द केस स्टडी अप्रोच टू इवेल्युएटिंग थेरेपेटिक चेंजेस इन द इंडिविजुअल केसेस, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टेस्ट और बिहेवियरल असेसमेंट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। जैसे कि मान लो ये टाइम सीरीज है और ये टाइम सीरीज और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ए बी टाइम सीरीज के लिए, मतलब ऐसे ही एक जो ग्राफ होता है उसी के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट, ऑन गोइंग असेसमेंट और पोस्ट थेरेपी फॉलो अप असेसमेंट, ठीक है। तीन असेसमेंट होती है इसमें, टाइम सीरीज इसीलिए इसको बोला हुआ है क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे हो रही है। और प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट में होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ बेस लाइन विच मेजर्स द टारगेट बिहेवियर विच इज विज्ड टू बी चेंज, ठीक है। फिर है ऑन गोइंग असेसमेंट, कैरिड आउट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डिस्प्ले द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, और लास्ट है पोस्ट थेरेपी फॉलो अप असेसमेंट, इट गिव्स अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ चेंज। बस ए और बी यहाँ पर डिफाइन करते हैं प्री ट्रीटमेंट बेस लाइन और ट्रीटमेंट पीरियड, ठीक है। अब इसमें मान लो एग्जाम्पल है वेन्स और हरनचक, रनचक में भी एक्सैलेंट होगा वरना तो प्रोनाउंस ही नहीं करा जा रहा, ठीक है। तो मान लो जो एक लेडी है वो 35 ईयर ओल्ड है और वो बिंज ईटिंग करती है और वो वॉमिटिंग करती है, पर्जिंग वाला केस,
और आपने ये ऑब्जर्व करा कि जब उसका 13 to 17 week था तब वो वॉमिट बहुत ज्यादा कर रही थी, ठीक है, जब थेरेपिस्ट नहीं था. बट सडनली जब भी जैसे ही थेरेपिस्ट आया और प्रोग्राम को थोड़ा एडजस्ट करा अराउंड जो उसके उसके बाद में जो उसका 3rd week था उसमें उसकी इम्प्रूवमेंट दिखी, ठीक है. तो इसमें ये दिखाते हैं कि टाइम के हिसाब से जो भी आप पहले कैसे थे, बीच में कैसे चल रहे हो, लास्ट में कैसे चल रहे हो, उसको दिखाते हैं, मतलब आपकी हेल्थ उसके रिलेशन में कैसे काम कर रही है, ठीक है. फिर है सिंगल केस क्वालिटेटिव स्टडी. इसका एम होता है टू यूज क्वांटिटेटिव है, एम होता है टू यूज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू एनफोल्ड वेरिएबल बट इंट्रोड्यूसिंग एनी एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस और कंट्रोल ऑफ वेरिएबल. कंबाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केस स्टडीज, स्टडीज कंबाइनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डाटा गैदरिंग एंड एनालिसिस विद इन वन स्टडी. जो इसकी रिसर्च टीम होती है, देखो तीन पार्ट बता दिए ना, एक तो हो गया तुम्हारा क्वालिटेटिव, ठीक है. क्वालिटेटिव वाली वही है कि जिसमें आप लिखने वाला काम ज्यादा होगा, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, जर्नल्स वगैरह से पढ़ रहे हो, ठीक है. दूसरा हो गया आपका क्वांटिटेटिव, जिसमें आप क्वांटिटेटिव टेक्निक से यूज करोगे और वेरिएबल्स वगैरह होंगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह होगा, जो भी साइंटिफिक टर्म्स है वो लिख देना. फिर है दूसरा जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का कॉम्बिनेशन, ठीक है. जो इसकी जो रिसर्च टीम है वो दो तरह की होगी, जो इसके अगेंस्ट में होती है और एक फेवर में होती है. दोनों टीम आपस में कोलैबोरेशन करती हैं. अगर कोई भी आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव केस स्टडी को प्रूफ करना होता है तो उसके लिए आप दो टीम खड़ी करते हो जिसको आप रिसर्च टीम कहते हो, और उन दोनों टीम्स के कोलैबोरेशन से आप उस चीज को प्रूफ करते हो. और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपको एक बारी कोई, जैसे इस फेवर वाली टीम ने एक बारी अपना एक पॉइंट प्रूफ कर दिया और अगेंस्ट वाली नहीं कर पाई, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो रिसर्च है उसको वैलिड मान लिया जाएगा. जब ये बहुत सारे के सारे प्रूफ देते हैं फेवर में, या फिर ये बहुत सारे के सारे प्रूफ देते हैं अगेंस्ट में, उसके बेस पे डिसाइड होता है, ठीक है. फिर है जर्नलाइजेबिलिटी. सिंगल एक्सपीरियंस और सर्वे, वही जो मैंने बताया, कोई भी एक एक्सपीरियंस सिंगल एक्सपेरिमेंट या सर्वे होगा उसको नहीं मानते. नंबर ऑफ स्टडीज बहुत सारे सिमिलर रिजल्ट जब शो करें तब हम उसको जर्नलाइज कर देते हैं, ठीक है. आउटकम क्या होगा स्टडीज का, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्टडीज, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, नेचुरलिस्टिक आउटकम स्टडीज और क्वालिटेटिव आउटकम स्टडीज. इसके लिए टूल्स क्या क्या यूज होते हैं, कोर आउटकम क्वेश्चनेयर OQ, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री BDI, हॉपकिंस सिम्टम चेकलिस्ट. एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं काउंसलिंग रिसर्च में, स्टडिंग एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स दैट मे कॉज हार्म टू क्लाइंट, एक्सक्लूडिंग पीपल फ्रॉम थेरेपी अनलेस दे टेक पार्ट इन रिसर्च स्टडी, इंटरव्यूज ट्रिगरिंग पेनफुल फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट, यूजिंग केस रिकॉर्ड्स विदाउट कंसेंट, अनकॉन्शियसली मैनिपुलेटिंग द थेरेपी प्रोसेस, काउंसलर्स फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस, इन्फॉर्म्ड कंसेंट. ये होता है आपको कंसेंट लेना होता है. इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या क्या आता है, आपका नेम, एड्रेस, नंबर, क्लाइंट का डिस्क्रिप्शन आता है, उसका एम ऑफ स्टडी आप लिखोगे कि आप किस लिए यूज कर रहे हो, इन्फो अबाउट द प्रोसीजर दोगे कि हम आपकी जो इन्फो क्यों भी यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन दोगे किसी भी पोटेंशियल रिस्क का, मेजर्स क्या क्या यूज करें आपने, और आपके पास में एज अ क्लाइंट राइट टू विड्रॉ भी होगा, और एंड ऑफ स्टडी, ठीक है. तो ये सब आप एज अ काउंसलर क्लाइंट को भेजोगे कि अगर आप उसका कंसेंट यूज कर रहे हो इसमें. बस खत्म. बेस्ट ऑफ लक. बाय बाय.